हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 6, अवर फूड, हमारा भोजन। वी ऑल नीड फूड, हम सबको भोजन की जरूरत होती है। वी नीड फूड टू, हमें भोजन क्यों चाहिए, ये 3 पॉइंट्स हैं। गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें काम करने और खेलने के लिए भोजन खाना चाहिए। बिकम स्ट्रांग एंड हेल्दी, हमें स्ट्रांग रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, और बढ़ने के लिए मीन्स ग्रो। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें भोजन प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो फूड हमें प्लांट्स से मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लांट्स से मिलते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नीचे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, आपको उनके नेम लिखने हैं। यूज द हेल्प बॉक्स, इस हेल्प बॉक्स की नीड से। आगे है, ये क्या है, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, लेडीज फिंगर्स, पोटैटोस, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल्स। We also get food grains from plant like wheat, rice and maize. हमें खाने वाले भोजन कौन कौन से प्लांट से मिलते हैं? Wheat, rice, maize, कनक, चावल और मक्की। ये है राइस और ये है वीट। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब जो फूड हमें एनिमल से मिलता है। वी गेट मीट, मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स से हमें मीट, मिल्क और एग मिलते हैं। वी मेक बटर, चीज, घी एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या क्या बनता है? बटर मीन्स क्या होता है बेटा? मक्खन, चीज, पनीर, घी एंड आइसक्रीम कहाँ से मिलते हैं? मिल्क से। ये मीट, एग्स, फिश, पनीर, बटर, घी। आगे है ईटिंग टाइम, हमें कौन से टाइम खाना चाहिए। वी ईट 3 मील्स इन अ डे, हम पूरे दिन में 3 टाइम भोजन करते हैं। वी मस्ट हैव अवर मील्स एट फिक्स टाइम, हमें फिक्स टाइम पे ही भोजन करना चाहिए। वी मेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सुबह क्या करना चाहिए? ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क विद ब्रेकफास्ट, हमें हमेशा ब्रेकफास्ट के साथ एक ग्लास दूध का लेना चाहिए। We take lunch in the afternoon, हमें लंच कब करना चाहिए? दोपहर को। We should eat chapatis, rice, दाल and vegetables during lunch, हमें लंच में क्या क्या खाना चाहिए? राइस, दाल, chapatis, vegetables। आगे we take dinner at night, हमें डिनर कब करना चाहिए? रात को। डिनर शुड बी लाइट, हमें डिनर हमेशा लाइट लेना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क विद डिनर, हमें हमेशा एक ग्लास मिल्क का लेना चाहिए डिनर के साथ। वी शुड ईट अवर मील्स एट द राइट टाइम, हमें हमेशा अपने खाने की मील्स है जो टाइम पे लेनी चाहिए। इट कीप्स अस स्ट्रांग एंड हेल्दी, इससे हम स्ट्रांग और हेल्दी रहते हैं, मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। गुड फूड हैबिट्स, अब हमें फूड खाते समय कौन सी गुड हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए? ऑलवेज हैव गुड फूड हैबिट्स, हमें हमेशा फूड खाते समय गुड हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए। यू मस्ट, हमें क्या क्या करना चाहिए? वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करने चाहिए। ईट स्लोली, हमें धीरे धीरे खाना चाहिए। च्यू द फूड वेल, हमें अच्छी तरह चबाकर भोजन को खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, हमें पानी की मात्रा को दिन में पूरी मात्रा लेनी चाहिए। नॉट ईट अनकवर्ड फूड, हमें बिना ढका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। नॉट ओवर ईट, हमें ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए।